जिन हथियारों की तलाश में पुलिस महीनों तक शहर शहर भटकती रही, तब उनका दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 5 साल बाद वो अनजाने में पकड़ में आ गए, जब पुलिस किसी दूसरे केस की तफ्तीश में जुटी थी। देखिए ये रिपोर्ट। 5 साल पुराने हत्याकांड का पर्दाफाश, मुंगेली पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। छटन गांव में चोर चोरों ने की थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे की तलाश जारी। कभी आपने सुना है कि 15 दिन पहले हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते सुलझाते 5 साल पुराने कत्ल का खुलासा हो गया? मुंगेली पुलिस के साथ ऐसा ही हुआ। पुलिस जब 31 दिसंबर को हुए हत्याकांड की तहकीकात में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी, तभी उसके हाथ ऐसे सुराग आ गए जिनके जरिए 5 साल से पहले बना एक कत्ल का मामला सुलझ गया। छटन में 2015 में आतंकवाद का मामला है, और एक महिला उम्मीद कुमार का बेदर्दी से हत्या कर दिया गया था, और उसके जेवर कुछ पैसे नदी में चुरा के ले गया था। उसकी लगातार योजना आतंकवाद थाने में की जा रही थी। आज मनोहर सिंह के जो हत्या के मामले के संबंध में ही पूछताछ के दौरान जो इंस्पेक्टर थे और जो पूर्व में रकम देने के आरोपी थे, उनको लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो एक रूपेश यादव करके एक जो संदेह थे दरअसल लालपुर थाना इलाके में 31 दिसंबर की दरमियानी रात को एक महिला उम्मीद रुकुमर की हत्या हुई थी। इसी केस को सुलझाने में जुटी पुलिस ने मुखबिर तंत्र एक्सेप्ट किया था, लेकिन मुखबिरों से ऐसे सुराग हाथ लगे जिसमें साल 2015 में फास्टरपुर थाना इलाके के छटन गांव में हुई लूट और हत्या के आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, और एक एक करके चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने खुलासा किया है कि वारदात वाले दिन गोरखपुर थाना इलाके में चोरी की नियत से गंगाराम यादव, सखाराम यादव, तुकाराम यादव और रिद्धि गिरी ने मिलकर एक घर में धावा बोला था। तभी घर में सो रही महिला उमेंद्र कुमार की मुंह खुल गई और पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी थी। साल 2015 में भी केस की तहकीकात में पुलिस की टीम ने काफी छानबीन की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया है, जिनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। हवालात के लिए मुंगेली से रोहित कश्यप की रिपोर्ट। हवालात में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे जुम्मन की कुछ और दास्तानों के साथ। तब तक के लिए आप रहें सतर्क और सावधान।